आ जाए दाल मिक्स जिसको उबाल लिया हूँ मैं इस एग के साथ, उसके साथ है कॉर्न, कच्चा कॉर्न, ऐसा कॉर्न है फ्रेंड्स एकदम ताज़ा एकदम कच्चा कॉर्न, इसको थोड़ा ग्रेट कर लेंगे और उसके साथ एक गुआवा और ये सोसा सारे बार्स को ये मिक्सिंग करके देंगे। एग में जिस दिन एक फूट देता हूँ उस दिन तो काफ़ी सारे एग लगता है, 6 या 7 एग लगता है जितना मेरा बार्स है उस हिसाब से, लेकिन हर दिन मैं एक करके, लेकिन दूसरा दिन भी मैं 1 या 2 एग ऐड करता हूँ कोई भी सॉफ्ट फूड में, मतलब हर कोई सॉफ्ट फूड में 1 या 2 एग में ऐड करता हूँ। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इस एग का स्मेल और टेस्ट से जो सारा बार्ड्स को सॉफ्ट फूड खाने का हैबिट नहीं है वो भी इसके स्मेल व टेस्ट से खाने आता है। तो इस तरह से क्या होता है, बार्ड्स जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो थोड़ा थोड़ा दे के बार्ड्स को हैबिट करना पड़ता है जिनको सॉफ्ट फूड का हैबिट नहीं है। इससे फ्रेंड्स हर तरह का खाना मैं थोड़ा अलग अलग फॉर्मेट बना के देता हूँ ताकि हर एक बार्ड को सॉफ्ट फूड का आदत हो जाए, क्योंकि सॉफ्ट फूड जब तक बार्ड्स नहीं खाएगा बार्ड्स का हेल्थ भी ठीक नहीं होता है फ्रेंड्स, और वो लोग ब्रीडिंग पे भी नहीं आते हैं और उनका जो प्रोग्रेस है मतलब चिक्स बोलिए एक का जो क्वांटिटी है वो भी उतना अच्छा होता नहीं है। ये जो कॉर्न है ये भी हर एक बार्ड्स का कभी पसंदीदा खाना होता है, तो ये सारे चीज़ में खाने में ऐड करता हूँ, क्योंकि जो दाल मिक्स में दे रहा हूँ ये नया दे रहा हूँ तो वो उतना इजी व हैप्पीली नहीं एक्सेप्ट कर रहा था फ्रेंड्स, तो थोड़ा मैं उबल के मैं देता हूँ, उसके साथ कभी थोड़ा फ्रूट दे देता हूँ, थोड़ा वेजिटेबल ऐसे मिक्सअप करके दे रहा हूँ, तो अभी देख रहा हूँ हर एक बार सॉफ्ट फूड का हैबिट हो गया है और अभी वो लोग खा रहा है। तो चलिए अभी आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स उसका ऊपर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है कुमड़ो का सीड, ये जो कुमड़ो हम लोग खाते हैं ना यही कुमड़ो का जो सीड है ये सीड को आप ले लीजिएगा, इस तरह से सीड को ले लीजिए और सजने दाल का जो पत्ता होता है वो पत्ता को सुखा के उसको पेस्ट कीजिएगा। अचार कितना? आज हम दोनों मिलके आप सबको वेलकम करते हैं कोलकाता लाभबाग पे। हाँ फ्रेंड्स एक कॉकटेल का चिक्स है जो मैंने आपको दिखाया था काफ़ी दिन पहले और अभी देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये चिक्स एल्बिनो पे आया है मतलब वेरा हेल्थ का, इसका तो 3 चिक्स था फ्रेंड्स वो एक्सपायर कर गया, उसका पेरेंट्स ने ठीक से तो खिलाया नहीं। और मैंने कहा फ्रेंड्स कभी कभी कॉकटेल में ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपना चिक्स को खिलाता नहीं है ठीक से। 2 दिन फ्रेंड्स थोड़ा बिजी था इसलिए चेक नहीं कर पाया था चिक्स को, तो 2 दिन ठीक से नहीं खिलाने की वजह से इसका 3 चिक्स एक्सपायर कर गया फ्रेंड्स। और अभी चलिए थोड़ा फिंच का प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं, जिनका चिक्स आया था मैंने आपके साथ शेयर किया था वो चिक को भी एक बार देख लेते कितना क्या उन लोग का प्रोग्रेस हुआ है। पहले इस प्यार का देखेंगे, लास्ट टाइम इसने 1 दिया था तो जाम्बो का प्यार है मेरा, जाम्बो 1 चिक उसके साथ व्हाइट चिक का मैंने प्यार लगाया था, तो इसका भी चिक्स आ गया है फ्रेंड्स मैंने देखा हूँ, एक बार आप लोग का साथ भी शेयर कर लेता हूँ। इसने 4 एग दिया था फ्रेंड्स, 4 ही चिक आया था लेकिन 2 चिक एक्सपायर कर दिया और 2 चिक को और पाल रहा है, तो वही बात है फ्रेंड्स चिक्स एक्सपायर ना करें उसके लिए क्या करना चाहिए वही आज का आपके सामने शेयर करूँगा। तो सिल्वर में है, सिल्वर ब्लैक चिक है जिसका व्हाइट चिक का मैंने तैयारी किया था और इसका भी चिक्स मैंने, इसका चिक भी हम लोग ने देखा था, अभी देखिए फ्रेंड्स इसका चिक कितना बड़ा हो गया है एक बार अंदर जाकर हम लोग देखेंगे। चार चिक था, 4 चिक को इसने पाल दिया और 2-1 दिन में ये सारा चिक बढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा। देख के तो लग रहा था चारों
ब्लैक चिप पे आएगा, अभी ब्लैक पे नहीं आएगा, शायद सिल्वर पे आएगा, क्योंकि इसका जो पेरेंट्स है पापा है वो देखिए सिल्वर पे है, अभी अच्छा कलर पे है, तो उसी कलर पे आने का चांसेस है एक बार की। अरे सेफ डब्ल्यू का प्यार जिसका 3 चिक था, 2 चिक बाहर आ गया थे, जिसमें से 3 चिक में 2 चिक बाहर आ गया और 1 चिक अंदर है, आपको सही दिखाई दे रहा है, तो इसको अंदर जगह हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि 2 चिक बाहर आ गया, तो 2-4 दिन में ये सारा चिक सेविंग पे आ जाएगा, और वो चिक भी बाहर आ रहा है लेकिन अभी अंदर चला गया है, तो 3 चिक्स बाहर आ गया थे इसका। और इस इजाबेल का भी जो चिक्स आया था वो भी एक्सपायर कर दिया, इसलिए सेकेंड टाइम जब इसने एक दिया था फिर मैंने उसको फर्स्ट कर दिया बेंगोली के साथ। इस पेयर में मैंने इसको फर्स्ट किया हूँ फिर, क्योंकि इस पेयर ने भी एक दिया था, तो इसका एक मैंने इजाबेल के पास दे दिया और इजाबेल का एक को मैंने इसमें दे दिया, अभी देखता हूँ क्या होता है। जो भी प्रोग्रेस आएगा आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं बार्ड ब्रीडिंग के पीछे हर दिन, तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा उनका चिक्स के पीछे, तभी फ्रेंड्स कोई भी चिक्स एक्सपायर नहीं करेगा। वो क्या है, जब कोई बार्ड्स का चिक्स आएगा, वो कोई भी बार्ड्स हो, छोटा हो बड़ा हो, फेंस जावा बंजीज लाभ जो भी बार्ड्स हो, जब चिक्स आएगा तब आपको एक काम रूटिंग माफिक करना पड़ेगा, हर दिन आप अपना चिक्स को चेक करना पड़ेगा जो उसका पेरेंट्स उसको खिलाने के लिए, अगर नहीं खिलाएगा फ्रेंड्स तब उसको हैंड फीडिंग करना कभी जरूरी है। मैं ये नहीं बोला फ्रेंड्स चीज़ को पूरा आप निकाल के हैंड फीडिंग कीजिए, क्योंकि वो कभी लेबरियस काम होता है, फ्रेंड्स हम लोग का काफ़ी सारा काम रहता है अपना बार ब्रीडिंग फार्म के पीछे, उसके बाद जब चीज़ को आप अपना सेल्फ ब्रीडिंग में उठा लेंगे तब दिन में 7-8 टाइम 7-8 टाइम 9 टाइम उनको खिलाना पड़ता है, तो उतना टाइम देना हम लोग के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, इसलिए मैं कोई भी चीज़ को मादा फीडिंग से उठाता नहीं है। और इस साल मैंने ये तरीका अप्लाई करूँगा जिससे वजह से आगे जाके कोई भी चिक्स एक्सपायर नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा 3 कॉकटेल का चिक्स एक्सपायर कर गया, 2-4 मेरा फिंच का चिक्स एक्सपायर कर गया, उसके वजह से मैं हर एक दिन अपना चिक्स को चेक कर रहा हूँ, जब देखता हूँ कोई चिक्स का फीडिंग ठीक से नहीं कर रहा है उसके पेरेंट्स, तब मैं उनको थोड़ा हैंड फीडिंग करके फिर उसको नेज बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। हैंड फीडिंग किससे कर रहा हूँ, होम मेड हैंड फीडिंग बनाया हूँ फिर, 2,000, 2,500, 3,000 रुपया खर्च करके आपको A19, A21 खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें जो देता है उसमें जो होता है फ्रेंड्स वो आप घर में भी बना सकते हैं, हमारा जो खाना पीना देते हैं वो खाना पीना से आप बना सकते हैं इजीली, विदाउट आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आप होममेड पे हैंड फीडिंग फार्मूला बना के रखिए। एक फ्लक्स खरीदे जो मैंने खरीदा रखा हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें पानी गर्म करिए सुबह, वो पानी 12 घंटा 14 घंटा गर्म रहता है, तो अब जब चेक करेंगे तब एक स्पॉट में गर्म पानी के साथ थोड़ा हैंड फीडिंग जो आप बना के रखे उसको बना के एक 2-4 फ्रेंड्स ड्रॉपर खरीद के रखिए, तो जब चिक्स को आप चेक करेंगे, जिसका आप प्रॉब्लम देखेंगे, जिसका खाना कम मिला है उसको एक बार आप हैंड फीडिंग कर दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स का क्या होता है हर दिन अपना बच्चे को एक तरीके से खाना खिलाना पॉसिबल नहीं होता है, तो जो चिक्स को 2-3 दिन खाना नहीं मिलता है ठीक तरह से वही जाके एक्सपायर करता है, उसी जगह पे हम लोग को एफर्ट देना है, उसी जगह पे हम लोग को सपोर्ट देना है, वो सारे चिक्स को बाउस पियर को 2-3 दिन सपोर्ट देंगे तो देखना अगले दिन से फिर वो लोग मतलब ग्रो होगा, कमज़ोर नहीं होगा, तो अगले दिन से अपना मम्मी पापा से अपना खाना मांग के खा लेगा व अपना मम्मी पापा उसको खिला देगा फिर। तो इस मैं पिछले साल भी फिर इस तरीके से करता था, इसलिए मेरे पास चिक्स एक्सपायर नहीं करता था, 90% 99% तक मेरा एक्यूरेसी था प्रोग्रेस का, मैंने अच्छे से शेयर किया था,
तो इस साल मैं थोड़ा कर नहीं पाया फ्रेंड्स, इतना जल्दी जल्दी उन लोगों का प्रोग्रेस आ गया तो मैं क्या मतलब क्या नहीं कर पाया, इसकी वजह से मैंने ठीक से एक्सपायर किया। इसके जिम्मेवार वो लोग नहीं, मैं हूँ कि मैंने ठीक टाइम पे सही डिसीजन लेके सही तरीका अप्लाई नहीं कर पाया, इसकी वजह से मैंने ठीक से एक्सपायर किया। तो आगे जाकर मेरा कोई भी चीज़ एक्सपायर नहीं करेगा, आप लोग को भी एक चीज़ एक्सपायर नहीं करेगा फ्रेंड्स। आप लोग हर दिन अपना हर एक चीज़ को, जितना भी चीज़ आएगा सबको चेक कीजिए, जिसका प्रॉब्लम होगा फिर उसको एक टाइम दो टाइम करके हैंड फिट करके उसको मम्मी पापा के पास ही रख दीजिए। जब देखेंगे वो ग्रो हो गया 10 दिन 15 दिन तक इसे मतलब इस तरह से सर्वाइव कर लेगा, उसके बाद फिर चिक्स एक्सपेयर नहीं करेगा। 15-20 दिन के बाद चिक्स का इम्यूनिटी पावर आ जाता है और वो लोग अपने मम्मी पापा से खाना मांग के बोली छीन के बोली खा सकता है, तब देखेंगे आपका चिक्स एक्सपेयर नहीं करेगा। तो इस तरह से आप लोग केयर कीजिए, तब जाके आपको 100% प्रोग्रेस मिलेगा फ्रेंड्स। 100% प्रोग्रेस नहीं मिले, अगर 90% भी हम लोग को प्रोग्रेस मिलता है तो ठीक है फ्रेंड्स, 10 चिक्स में से एक या दो चिक्स का अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर करते वो एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग, बा वो ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैक्सिमम चिक्स एक्सपायर कर जाएगा फिर तो हम लोग का जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगा, तो ज़ाया ना हो फ्रेंड्स, इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोग भी अगर इस तरीके से अपने चिक्स को केयर करेंगे तो देखेंगे आपका चिक्स एक्सपायर होगा। और हैंड फिन फार्मूला की यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, काफ़ी लोग खरीद नहीं पाते, A90 A20 का काफ़ी कीमत होता है, तो कोई ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, आप लोग होम मेड हैंड फिनिंग फार्मूला बना सकते हैं, काफ़ी इजी प्रोसेस है, वही मैं आपको दिखाऊंगा और वही मैं यूज़ करूँगा जब यूज़ करके हैंड फिनिंग करूँगा उसका भी एक वीडियो बनाकर आपके पास शेयर करूँगा। तो ठीक है, चलिए होम मेड हैंड फिनिंग फार्मूला किससे मैं बनाता हूँ, बाकी से बनाऊँगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए, ये जो मैंने कल दाल मिक्स दिखाया था आपको, यही मेरा हैंड फिटिंग फार्मूला होगा। इसको मैं मिक्सी में ग्राइंड करूँगा उसके बाद फिर इस चालू से मैं उसको चालूंगा तो उसका जो डस्ट है वो मुझे मिल जाएगा और उसी में मैं किसी डिब्बा में रख के उसको गर्म पानी से मैं उसको मेल्टेट करके अपने सारे बार्स को हैंड फिटिंग करूँगा, सारे जो चिक्स है, क्योंकि इसमें का दाल, गेहूँ, राइस, कॉर्न सब कुछ है, तो यही मेरा हिसाब से सबसे अच्छा हैंड फीडिंग फार्मूला होगा मेरा सारे चिक्स के लिए। तो फिर 2000-2500 रुपया खर्च करके हैंड फीडिंग फार्मूला खरीदने का मेरा कोई ज़रूरत नहीं है, उससे मैं क्या करूँगा मेन खाना लेके आऊँगा जिससे मेरा सारा फार्म व सारा बार्स का खाना भी हो जाएगा और उससे मैं कुछ उठा के हैंड फीडिंग फार्मूला बना लूँगा। तो इसको मैं ग्राइंड करूँगा मिक्सी पे, उसके बाद ये चालूनी से इसको चालूंगा, जो डस्ट मुझे मिल जाएगा वही हैंड फिटिंग फार्मूला मैं यूज़ करूँगा हर एक चीज़ के लिए। और ये मैंने खरीद लिया हूँ फ्रेंड्स, मिल्टन का एक फ्लैक्स खरीद लिया हूँ जिसमें गर्म पानी रहेगा, सुबह में एक बार गर्म पानी कर लूँगा तो सारा दिन इसमें ये गर्म रहेगा। तो मैं फिर जब हैंड फिटिंग फार्मूला बनाऊँगा और प्रैक्टिकल जब मैं सारा चीज़ को हैंड फिट करूँगा उसका एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, अगर पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और जो सारा नया फैंसियर है उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी ये जानकारी मिले और वो सबके पास प्रोग्रेस अच्छा हो। तो नेक्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स सीड मिक्स को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, हर एक बार का मैं क्या सीड मिक्स देता हूँ उसका भी एक वीडियो आएगा। और आप लोग जो वीडियो देखते हैं काफ़ी सारे कमेंट्स करते हैं, उसमें से कुछ कमेंट्स ऐसा है जिसका आंसर देना काफ़ी ज़रूरी है फिर, तो उसका ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को लेके एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो सारा सवाल को मैं कलेक्ट करूंगा और उनका जवाब मैं ऑन वीडियो आपको दूंगा ताकि सभी को कुछ मदद मिल सके, कुछ सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके लिए एक अलग सा वीडियो में आप लोग का जो क्वेश्चन है, आप लोग का जो सवाल है उसको बनाऊंगा। तो बने रहिए कोलकाता लाभ के साथ, से रिक्वेस्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ।